And the other thing is की ओ गॉड एक्सक्यूज मी, मेरे बाल ही खुल गए. शूट्स एवरीवन. सो आज की जो वीडियो है वो कुछ डिफरेंट होने वाली है. आज कोई हॉल नहीं होने वाला है, बट आज हम देखने वाले हैं कि हम हमारे चाहे समर कोई वो फिट हो या विंटर फिट हो, हम उसको कंबाइन करके कैसे एक नया आउटफिट क्रिएट करेंगे. और विंटर वाला मतलब वो सारे जो मैं आपको आउटफिट सिखाने वाली हूँ वो हम सारे विंटर में, मतलब विंटर में पहनने लायक करेंगे कि विंटर में हम उसको कैसे पहन सकते हैं, बिकॉज विंटर्स तो चल ही रही है. सो वाई नॉट. एंड इसमें कुछ मीशो से होने वाले हैं, कुछ अर्बैनिक से होने वाले हैं, कुछ अमेजोन से, कुछ बहुत पहले के होने वाले हैं जो मुझे याद नहीं है कहाँ से है. बट ठीक है, ये कंसर्न नहीं है कि कहाँ से है, मेरा है कि हम कैसे अपन उनको स्टाइल कर सकते हैं. सो लेट्स सी. ओके, सो जो फर्स्ट आउटफिट होने वाला है दैट इज, मेरे बाल ही खुल गए. शूट्स. Alright, so the first outfit जो हम क्रिएट करने वाले हैं वो है जो मैंने अभी वाइट हाईनेक पहन रखा है, उसी से विंटर एसेंशियल में मैंने दिखाया था आप लोगों को. और अगर वो विंटर एसेंशियल वाली वीडियो या तो आ गई होगी और नहीं आई तो इसके नेक्स्ट आ जाएगी. सो ये वाला जो मैंने विंटर एसेंशियल, मतलब विंटर एसेंशियल क्या, जो मैंने वाइट हाईनेक पहन रखा है उससे हम फर्स्ट आउटफिट बनाने वाले हैं, विद जो कि मैंने अर्बैनिक से लिया था, पेयर किया है. एंड देन नीचे नॉर्मल ब्लैक पैंट्स पहनी है, उसके साथ को स्टाइल किया, एंड काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है. एंड दैट्स इट, वी आर डन. सी कितना इजी था, एंड देन बहुत अच्छा भी लग रहा है ये. और आप फिर कोई भी बैग या पर्स एंड ऑल कैरी कर सकते हो, एंड बहुत ज़्यादा प्यारा आउटफिट लगेगा. ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट लुक है वो होने वाला है थोड़ा सा येलो, और मतलब ब्लैक का नहीं होने वाला, थोड़ा सा डिफरेंट शेड और कलर में होने वाला है. अभी टॉप देखो. सी, ये आपको याद होगा कि मैंने मीशो से, जिन लोगों ने मेरी मीशो ड्रेस हॉल कुछ ऐसा था वो यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना. उसमें मैंने ये ड्रेस शेयर की थी, और ये समर अप्रोप्रिएट है, एंड इसमें ये हम समर सीजन पर अच्छे से पहन सकते हैं. बट ज़रूरी थोड़ी है कि हम केवल समर में पहने, हम इसको विंटर में भी तो स्टाइल कर सकते हैं. सो मैंने क्या किया, मैंने ये ऊपर वाला जो टॉप है इसको ऐड किया, एंड इसके अंदर यही जो मैंने वाइट हाईनेक पहन रखा है वही इसके ऊपर ऐड किया. एंड देन नीचे मैंने ग्रीन पैंट्स, बिकॉज इसमें ग्रीन कलर है, यू कैन सी जो स्लीव्स है उसकी ग्रीन कलर है, तो मैंने मैच की, मैंने मैच करके उससे ग्रीन कलर की पैंट्स ऐड कर दी. एंड देन फिर मुझे लगा था कि येलो ग्रीन ओके वाइट, पर थोड़ा सा मुझे येलो को और थोड़ा सा ना ब्लेंड करना है लुक में, तो फिर मेरे पास येलो कलर के सनग्लासेस थे, तो मैंने ये वाले सनग्लासेस ऐड कर लिए, तो उससे पूरा जो लुक आया ना वो एकदम बैलेंस आउट और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और बहुत अच्छा लुक आया पर्सनली, एंड मुझे बहुत अच्छा. तो ऐसे हम हमारे समर जो आउटफिट्स हैं उनको विंटर अप्रोप्रिएट भी बना सकते हैं, जस्ट स्टाइलिंग, ग्लेयरिंग एंड गैस. जिसके भी मैंने जो ऑनलाइन परचेज किया है ना, क्योंकि ग्रीन पैंट्स ये ऑनलाइन परचेज नहीं है, वाइट हाईनेक ये वाला ऑनलाइन परचेज नहीं है, बट अगर आपको वाइट हाईनेक का देखना है तो मैं कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, क्योंकि मैंने ऐसा वाइट हाईनेक मीशो से लिया है और वो भी बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी है, और वो 199 समथिंग की उसकी प्राइस है. सो रियली वर्थ इट है काफ़ी, तो उसमें आपको बहुत से कलर्स मिल जाएंगे, तो आप लेना और ऐसे करके हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं. सी अभी मैंने आपको वाइट हैनेक से ही दो लुक बताया कि हम इसको इतने तरह से और क्रिएट कर सकते हैं. सो यस, ऑलराइट. सो जो नेक्स्ट लुक होने वाला है वो एक लॉन्ग, मेरे पास लॉन्ग एक टर्टल नेक स्वेटर है. सी दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्टल नेक, मैंने इससे ही आउटफिट क्रिएट किया है. सो आपके पास अगर ऐसे कोई भी लॉन्ग ड्रेसेस या लॉन्ग को कुछ ऐसा है ना आप स्टाइल कर सकते हो. सो व्हाट आई डिड, मैंने इसके नीचे ब्लैक कलर का वॉर्म वेयर पहन लिया, ठीक है, एंड देन उसके बाद इसके अर्बैनिक से जो मैंने कोट लिया था वो अभी इसके अंदर है, पूरा ना सामान फैल जाता है बहुत भयंकर वाला, मैं अभी वो नहीं निकाल रही, बट मैं आपको ओवरऑल लुक कैसा लग रहा है वो आपको वीडियोस में दिख रहा होगा. तो मैंने इसको क्या किया, अर्बैनिक से जो मैंने कोट लिया था ब्लैक कलर का वो मैंने इसके ऊपर वियर किया, एंड जो लुक आया था ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा प्यार लुक लग रहा था. सो सी नाउ वी हैव अनदर आउटफिट विद दिस वॉर्म वियर, एंड आप ऑलवेज आपके जो है आपके पास उसे मिक्स एंड मैच कर सकते हो. आपके पास कोई अगर लॉन्ग ड्रेस है या फिर कोई लॉन्ग स्वेटर्स है, लॉन्ग ड्रेस है विंटर वियर वाली, तो आप डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो आउटफिट्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लगने वाला है. एंड इसमें भी एडिशनल लेयर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू गॉगल्स, ब्लू बैग और लाइक डिफरेंट डिफरेंट चीज़ आप स्टाइल कर सकते हो. सो यस, सो नेक्स्ट जो हम आउटफिट क्रिएट करने वाले हैं ये मैंने एक मीशो से लिया था.
कोरियन शर्ट, ये इसमें हम इसको हम स्टाइल करने वाले हैं। सो इसके नीचे इसमें क्या है, सबसे अच्छी इसकी डिटेलिंग और सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगती है, यहाँ पे एक रिबन है जो कि आप यहाँ पे नॉट बांधोगे तो उससे एक अलग ही इसका लुक आता है, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दिखने पर वो लुक। के नीचे अंदर ना आप कुछ भी पहनो, ठीक है, अब विंटर्स में अगर ये पहना है तो इसके अंदर हम कुछ भी पहनेंगे तो वो दिखेगा नहीं, तो आप अपने लिए ठंड ना लगे तो आप अंदर कुछ भी वेयर कर सकते हो, कोई भी वॉर्म वेयर, कोई भी हाई नेक पहन सकते हो, कोई मॉक नेक वाला कुछ भी पहन सकते हो अंदर, इससे आपको ठंड ना लगे, आपको बचना है ठंड से, तो आप कुछ भी पहन लेना अंदर। तो एंड देन उसके ऊपर देन हम ये और जितनी लेयर करनी है, अगर आपको वॉर्म वेयर के ऊपर भी कुछ और पहनना है तो गो अहेड, डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा ठंड है। एंड देन उसके बाद ये शर्ट पहनी मैंने, एंड देन उसके बाद आई स्टाइल दिस विथ स्कर्ट। एंड स्कर्ट का हमें पता है कि हम स्कर्ट्स पहन सकते हैं विंटर सीजन में विद दिस फ्लीस, एंड देन उसके बाद स्टॉकिंग्स, एंड देन वी आर गुड टू गो, एंड देन यू कैन ऑलवेज मिक्स एंड मैच विद योर बैग्स एंड ऑल स्टफ। सो या दिस इज हाउ वी क्रिएटेड आर अनदर आउटफिट टू। ऑलराइट गाइस, सो अब हम हमारे लास्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैंने पहन रखा है, एंड सी इसमें भी सी ये भी मैंने वाइट हाईनेक के साथ पेयर अप किया है। सो ये जो आउटफिट है इसमें सी तीन आउटफिट्स आई थिंक हाँ अपन ने वाइट हाईनेक के साथ ही क्रिएट कर लिया, और भी वाइट हाईनेक के साथ हम केवल एक वाइट हाईनेक के साथ अलग अलग आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो या मैं ज़रूर आपको ना शॉर्ट्स में एंड ऑल आप देखना, आपको बहुत सारे मतलब इंस्पिरेशन और रिकमेंडेशंस मिलेगी कि हम और भी आउटफिट्स क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइज जस्ट ओपन योर वार्डरोब एंड सी आप भी कितने सारे आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। सो येस, सो अभी हमारे नेक्स्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं। सो ये मैंने वाइट हाईनेक पहना है, एंड देन उसके ऊपर अब अगेन आप इसके अंदर कोई भी वॉर्म वेयर कोई भी वॉर्म वेयर आप अंदर इनर टाइप कुछ भी पहन सकते हो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देन उसके बाद मैंने ये कार्डिगन पहना है मस्टर्ड कलर का, ये वैसे मेरी मम्मा का है और ये मम्मा पहले पहनती थी पर अब नहीं पहनती, सो ये मैंने ले लिया, ये मैंने मस्टर्ड कलर का ही पहना हुआ है। एंड नीचे वैसे फिलहाल तो नीचे मैंने ये पजामा पहन रखा है, सो बट वीडियो में आप देखना कि इसके नीचे आई स्टाइल दिस विद दिस स्कर्ट, एंड स्कर्ट के नीचे वही जो मैंने आपको बताया प्लीज थाइज एंड स्टॉकिंग्स, एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड इसको आप अगेन सनग्लासेस और बैग्स शूज या फिर वॉट एवर यू वॉन्ट टू वियर वो उसके साथ आप आराम से इसको कैरी कर सकते हो, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा आउटफिट लगेगा। सी एंड दिस इज़ हाउ वी क्रिएटेड आर अनदर आउटफिट टू, एंड काफ़ी ज़्यादा ना आप मिक्स एंड मैच क्रिएट कर सकते हो, इट्स जस्ट ऑल अबाउट कलर्स। सो या लेट मी नो गाइज आप लोगों को ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आपको लगती है तो मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोज बनाऊंगी। द अदर थिंग इज की तो यार जस्ट ओपन योर वार्डरोब एंड सी आप कितने सारे डिफरेंट आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।